भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत ठेका मजदूर संघ ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इसके साथ ही 3 दिनों से हड़ताल पर बैठ अपना आक्रोश जताया। वहीं मौके पर पहुंचे शहर विधायक ने धरने पर बैठे श्रमिकों की मांग को जायज ठहराते हुए समर्थन दिया। दुर्ग में भारतीय खाद्य निगम में कार्य करने वाले सैकड़ों ठेका श्रमिक अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर एकजुट हुए और अपनी आवाज बुलंद करते हुए खाद्य निगम के ठेकेदार के रवैये से परेशान होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों की मांग ये थी कि वर्तमान में उन्हें 1.80 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से राशि दी जा रही है, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। आगामी दिनों में सभी श्रमिकों की मांग है कि उन्हें 2.80 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाए। अपनी मांगों को लेकर श्रमिक जब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त सभी मजदूरों के समर्थन में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व शहर विधायक अरुण वोरा भी मजदूरों के बीच मौजूद रहे। उन्होंने मजदूरों की मांग को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया और आगामी दिनों में सभी मजदूरों की मांग पूरी होने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर मजदूर शांत हुए। इस अवसर पर दुर्ग एडीएम और खाद्य अधिकारी भी उपस्थित रहे और शहर विधायक और मजदूरों से हुई बातों पर जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया। ये अपने FCI के लगभग 300 हमाल कार्यरत है, उसमें रेजा भी शामिल है। उनको जो मेहनताना मिलता था, पारिश्रमिक मिलता था, तो अभी जो वर्तमान में चल रहा था उसमें 1 रुपये अधिक की मांग इन्होंने की है और वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त हुआ है वो इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सारे हमारे मजदूर भाई हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, 3 दिन से उनसे काम नहीं लिया जा रहा। 3 दिन से ये FCI का काम प्रभावित है। वर्तमान में स्टेकिंग चार्ज और रेक का जो लोडिंग होता है वो 180 रुपये दिया जा रहा था, तो ये 2.40 रुपये की 2.40 रुपये और मांग होंगे ना, 2.40 की मांग। और रेजा का जो रोजी था पहले 350 रुपये मिल रहा था, अब 416 रुपये की मांग इन्होंने की है। तो ये मांग इनकी जायज है, जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हम इनकी मांग के समर्थन में हैं। और हमारे साथ अभी मैंने कलेक्टर से भी चर्चा की है, SDM महोदय भी आए हैं, फूड कंट्रोलर भी आए हैं, तो सब लोग अभी बैठ के चर्चा करेंगे प्रतिनिधि मंडल के साथ, इसका हल निकालने के लिए हमने कहा है। ग्रेनेसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।